Good morning, students. I hope you have read, read chapter 9, the poem A Vulture's Guide to Good Manners. Today, we will study and understand the poem. So, listen carefully and try to understand. Do you know? What are good manners? Good manners means having good habits or doing things properly, talking to people nicely, being neat and clean, etc. Now let's begin with the poem. I never, never, never. Put my elbows on द table, and my face will never show it if my tummy feels unstable. मैं कभी भी अपने एल्बोज मतलब कोहनी डाइनिंग टेबल पे नहीं रखता और अगर मेरे टामी मतलब पेट में तकलीफ हो या अनस्टेबल यानी गड़बड़ लगे तो उसे कभी चेहरे पे शो नहीं करता नाउ नेक्स्ट टैंजर आई नेवर टेल ए स्टोरी वेन माई बीक इज फूल ऑफ फूड और ईट ए स्पीक ऑफ ब्रोकली दैट हैजेंट बीन वेल च्यूड मैं कभी मुँह में खाना रखी बात नहीं करता यहाँ भलचार हम लोगों को पोन सुना रहा है इसलिए उसने कहा आई ने फर टॉक वेन माई बी इज फुल ऑफ फूड और मैं ब्रोकली या किसी भी खाने को नहीं खाता जब तक ठीक से च्यू नहीं करता च्यू मतलब चबाना आठ पैराग्राफ आई नेवर लीव द टेबल अनटिल आई हैव बीन एक्सक्यूज वेन समन ब्रेक्स द ग्रेवी बोर्ड आई नेवर एक्ट एम्यूज मैं बिना लोगों को कहे या उनकी उनकी उनको परमिशन ना लेकर टेबिल छोड़ के नहीं जाता जब भी हमें टेबल छोड़ के जाना हो हम कहते हैं प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी और जब किसी से गलती से कोई प्लेट या ग्रेवी बोर्ड टूट जाता है तो मैं उन पर हंसता नहीं हूँ लास्ट पैराग्राफ आई नेवर स्पीट माई फूट आउट आई एम नेवर एवर लेट बट वेन आई कम टू डिनर आई ऑलवेज क्लीन माई प्लेट द पोइट्स नेम इज देबोरा रड मैं कभी मुँह से खाना नहीं थुकता मैं कभी भी लेट नहीं होता लेकिन जब भी मैं डिनर खाता हूँ आई ऑलोज़ क्लीन माई प्लेट मतलब मैं खाना बर्बाद नहीं करता और सारा खाना खाकर प्लेट साफ कर देता हूँ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम एंड द वर्ड मीनिंग्स लिसन टू द ऑडियो अगेन इफ़ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड इन टू असाइनमेंट लर्न द पोईम And complete exercise A, page number 54. Thank you and have a nice day.